वेलकम सीकर्स टू योर थर्ड डार्क असेंबली. आप लोगों ने थैंक यू सर आप लोगों ने दो इन्वेस्टिगेशंस पैरानॉर्मल वर्ल्ड की बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कर चुके हैं. आप लोग के कोई थॉट्स हैं, कुछ नया समझा, कुछ सीखा? सर मुझे लगता है लाइफ में माइंडसेट ना बहुत टाइम बाद बनते हैं किसी भी चीज़ को लेके, एंटिटीज को लेके, पैरानॉर्मल वर्ल्ड को लेके. मेरे दिमाग में जो था वो था कि हो सकता है शायद, आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि ये है. मुझे जेन्युइनली बताऊँ मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या क्या समझ गया. एक भी सीन याद आता है तो एकदम से ऐसे हो जाता है, फिर एक दूसरा याद आता है ऐसे हो जाता है. इतने सारे सेकंड्स और हर सेकंड कुछ ना कुछ था. कल मेरा माइंडसेट बदल गया कि है कुछ तो है जो मैंने जिसके बारे में बहुत कैजुअल था लाइफ कि हाँ होते होंगे. सर मैंने एक चीज जो सीख ली है कि जब आप ऐसे एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस. द लॉन्गर आप वो एफर्ट डालने के लिए रेडी हो, आपको एक आंसर आएगा. दिस अप्लाइज इन लाइफ आल्सो. यस, वन थिंग व्हिच आई लर्नड अबाउट माय सेल्फ व्हिच आई डिड नॉट नो अर्लियर, दैट आई एम दैट वल्नरेबल दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ मी सो ईजिली. और मेरे और उनके बीच की जो बाउंड्री है वो काफ़ी थिन हो गई हैं. तो इन द डूंगा हवेली आई एक्चुअली फेल्ट कि वो एंटिटीज मेरे इतने पास हैं दैट आई वाज सो ओवरवेल्म्ड. क्योंकि इन दैट एनर्जी टॉर्नेडो मुझे कुछ कुछ चीज़ें फील हुई. मुझे सैडनेस फील हुआ, मुझे ग्रीफ फील हुआ, मुझे वो लोनलीनेस फील हुई जो वो सेंटिटी को शायद फील हो रही होगी. ब्यूटीफुल. दिस एक्सपीरियंस हैज बीन पॉजिटिव फॉर यू एंड यू आर ग्रोइंग एंड लर्निंग अबाउट योरसेल्फ. थैंक यू सर.